Hello, and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज. क्विज स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में उपलब्ध हो जाएंगी. अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रही हैं तो आप 7 से 8 बजे के बीच में इस वीडियो को रोजाना प्राप्त कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है. एंड ये सारे गवर्नमेंट, आप जितने जो भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, जिस तरह की भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है. आप इस करंट अफेयर्स को आराम से फॉलो कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस ईजिली मिल जाया करेंगी. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आज का एक क्वेश्चन है कि छऊ और पाइका ये दो लोक नृत्य है, ठीक है. छऊ और पाइका ये दो लोक नृत्य है और ये किस राज्य के लोक नृत्य है. तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि छऊ और पाइका जो है वो किस राज्य से संबंधित है. अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में 27 नवंबर 2018 को हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया. आप लोगों में से मोस्टली को ये आंसर पता होगा क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है 2018 का, ठीक है. तो ये 27 नवंबर को, मतलब कल, इसका उद्घाटन हो गया है और ये हुआ है उड़ीसा राज्य में. और यहाँ मैंने शहर की बात की है इसलिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है. एंड उड़ीसा से आप याद रख सकते हो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी. और हमारे ऑप्शन जाते हैं सी, भुवनेश्वर. किसको स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया, मतलब वो कौन से शख्स है जिन्हें स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है. तो इनका नाम है प्रोफेसर पुण्य श्लोक भादुड़ी, ठीक है. प्रोफेसर पुण्य श्लोक भादुड़ी जी को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है. ये कोलकाता के भारतीय विज्ञान शिक्षा एंड अनुसंधान संस्था के प्रोफेसर है. एंड भारत सरकार द्वारा 2017 से 2018 के जो ये स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रतिष्ठित अवार्ड मानी जाती है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है. ये फेलोशिप 5 सालों के लिए दी जाती है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए दी जाती है. एंड अगर मान लीजिए कोई भी शख्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करते हैं तो उनके काम को सराहना के रूप में इन्हें इस स्वर्ण जयंती फेलोशिप से नवाजा जाता है. तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं प्रोफेसर पुण्य श्लोक भादुड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय के आदेश के अनुसार कक्षा 1 और 2 के छात्रों को अब गृह कार्य नहीं दिया जाएगा. मतलब ये किस मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है कि क्लास 1 एंड क्लास 2 के बच्चों को अब होमवर्क नहीं दिया जाएगा. तो ये है मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय, MHRD. आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि अब क्लास 1 एंड क्लास 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा. और उन्होंने उनकी स्कूल बैग की भी वजन की भी बात की है. उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक कक्षा के लिए स्कूल बैग की निश्चित वजन सीमा निर्धारित की जाएगी. मान लीजिए जो कक्षा 1 और 2 के जो छात्र हैं उनकी जो बैग होगी ना, उनका वजन 1.5 kg से अधिक नहीं होगा. और क्लास 3 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनके बैग का वजन 2 kg से 3 kg के बीच में ही होना चाहिए. तो ये कुछ बातें कही है मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय ने. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में है. देखिए, इस क्वेश्चन में हम ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या. तो देखिए, ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था. इसे लॉन्च हुए 2 महीने हो गए हैं. और इसमें था क्या कि ईच परिवार, मतलब एक एक परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हेल्थ कवरेज के रूप में. मतलब आप इससे अपना इलाज करवा सकते हैं. तो पर फैमिली को 5 लाख रुपया दिया जाएगा. अब इससे मैं आपको एक बात कहूँ, आप लोग जितने इस वीडियो को सुन रहे हो ना, अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या मान लीजिए कि इलाज के लिए कोई दिक्कत आ रही है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो. मैं तो कहूँगी आयुष्मान भारत में जाके वहाँ के कस्टमर केयर में आप कॉल करके एंड आप इसमें अप्लाई करके 5 लाख का बेनिफिट अपने फैमिली के लिए भी ले सकते हो. ये बहुत अच्छी चीज़ है. अगर आपको नहीं पता है तो आप इस आयुष्मान भारत को सर्च करो और इसके कॉल सेंटर पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो, ठीक है.
अब देखिए, हम इसमें बात कर रहे थे कि अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है कि ये आयुष्मान भारत जो है ये परफेक्ट कौन से राज्य में चल रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये कहाँ पास अभी तक चल रहा है, जो शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, तो ये गुजरात में है। गुजरात में ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब सच में इस योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, और देखिए जैसे सेकेंड नंबर पे आई है तमिलनाडु, थर्ड में आई है छत्तीसगढ़, बट हमने यहाँ पूछा है कि शीर्ष राज्य के रूप में कौन आया है, तो ये है गुजरात। सारी चीज़ें क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत और किस देश ने डबल टैक्सेशन ऑर्डिनेंस एग्रीमेंट में संशोधन करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने चीन के साथ इस DTAA में संशोधन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इनका जो DTAA है ना, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो है, इनके ये दोहरे कराधान से बचने या फिर आय पर जो कर लगते हैं ना, तो कर से संबंधित जितने भी राजकोषीय चोरी होती है उसकी रोकथाम के लिए ये संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए चीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 62वीं राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में महिलाओं का ट्रैप स्वर्ण पदक जीता है? तो 62वीं राष्ट्र शॉटगन चैंपियनशिप हुई थी और इसमें महिलाओं का ट्रैप स्वर्ण पदक जीता है वर्षा वर्मन ने। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, वर्षा वर्मन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर में देश के पहले हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, और इन्होंने देश में ये पहला हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है स्टेट डेटा सेंटर के लिए, और ये किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी, देहरादून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन के कितने पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में दिवंगत भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का नाम शामिल है? अब देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बसु जी का नाम शामिल किया गया है, उनकी कितनी की वो नोट है, मतलब कितने पैसे की वो नोट है जिसमें इनका भी नाम शामिल है कि इनकी जो इनका फोटो छप सकता है उसमें? ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारे भारत के वैज्ञानिक और ब्रिटेन तक इनके फोटो को अपने में छाप रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, अब इसमें हम ध्यान देते हैं कि ये किस ये जो कितने का नोट है, तो ये है 50 पाउंड का। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, 50 पाउंड। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए ये वैज्ञानिक यही है जिन्होंने ये कहा था ना जगदीश चंद्र बोस ने कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। ठीक है, तो इन्हीं को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इनके नाम को भी शामिल रखा है नोट पर छपने के लिए, इनके फोटो को भी, और ये 50 पाउंड की होगी इनकी नोट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस राज्य में पर्यटक पुलिस लॉन्च की गई है? पर्यटक पुलिस जो है ये नागालैंड में लॉन्च हुई है, और ये दूसरी है, मतलब पहली पर्यटक पुलिस जो है ना, मतलब पर्यटक पुलिस में जो पहले राज्य में लॉन्च हुआ था वो ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये दूसरा राज्य है जहाँ पर्यटक पुलिस लॉन्च हुई है, ये है नागालैंड। समझ में आ गई चीज़ें, पर्यटक पुलिस क्या थी? देखिए नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है नीफू रियो, उन्होंने 26 नवंबर को इसे लॉन्च किया है। ये क्या करेगी? पर्यटकों को सुविधा प्रदान करेगी, मतलब मान लीजिए उनके खिलाफ किसी भी अपराध को वो रिपोर्ट करेगी, जितने जितने मतलब नियरेस्ट जितने पास के पुलिस स्टेशन है उसमें वो रिपोर्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अरुणाचल प्रदेश में इसके पहले ही लॉन्च हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य राजमार्ग 3 परियोजना के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार राज्य के जो राजमार्ग है उसको वो, और वो परियोजना में वो कर कह रहे हैं ना कि उसकी उनकी जो रोड है उसे वो और चौड़ा बना रहे हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट वन, किस शहर में बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थानों के लिए राष्ट्रीय बाल समारोह हौसला 2018 का उद्घाटन किया गया? हौसला 2018
का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, ये 26 नवंबर को हुआ था और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उनके द्वारा आयोजित हुआ था। ये आपके हुई है नई दिल्ली में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए नई दिल्ली, एंड देखिए इनका मुख्य रूप से इनका विषय था बाल सुरक्षा है, ठीक है, बाल सुरक्षा इनका विषय था और इनका उद्देश्य ये था हौसला 2018। आप ऐसे याद रख सकते हो, हौसला 2018 कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। एंड हौसला 2018 है क्या? ये शहर में जितने भी बच्चों बच्चों की देखरेख करने वाली ये एक संस्था है, ठीक है। इनका उद्देश्य ये था कि बच्चों में जो प्रतिभाएं भरी है तो उनको दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने हौसला 2018 को सेलिब्रेट किया था। इस समारोह ये समारोह मतलब हुआ था, ये दिल्ली में हुआ है। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए दिल्ली। किसको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं नागेश्वर राव गुंटूर। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए नागेश्वर राव गुंटूर, आगे 3 सालों के लिए ये चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना और एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? देखिए, कौन राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो रही है? नवीन पटनायक जी जो है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है। तुम्हारे ऑप्शन तो हो जाते हैं सी उड़ीसा। अब इन्होंने एक लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और जिसका नाम उन्होंने दिया है मो साइकिल। मो साइकिल मतलब मेरा साइकिल, उड़िया में मो को कहते हैं, मेरा को कहते हैं मो, ठीक है। तो उन्होंने कहा मो साइकिल, और ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं ये हम जान लेते हैं इस परियोजना में। देखिए, ये जितने भी उपभोक्ता हैं हो गए उनको साइकिल का पता लगाने और उसका उपयोग करने के लिए मोबाइल ऐप आधारित सेवाएं प्रदान करेगी, ठीक है। और मो साइकिल जो है ये प्रणाली यातायात को कम करने, जगह में वृद्धि करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में भी ये मदद करेगी। तो इन सब उद्देश्य से वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने इन्हें लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी उड़ीसा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 28 नवंबर के। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हो तो जस्ट लिंक के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको PDF मिल जाया करेंगी। थैंक यू।